भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री का दमोह आगमन हुआ। उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की, उनके आगमन को लेकर चर्चा की, साथ ही अन्य विषयों पर पत्रकारों के द्वारा उनसे चर्चा की गई, जिसके सरलता से जवाब उनके द्वारा दिए गए। क्या कुछ थे सवाल, क्या दिए जवाब, आपको सुनाते हैं। दमोह आगमन हुआ है आपका, सम्मान बैठक सम्मेलन मध्य प्रदेश के सागर संभाग की बैठक आज दमोह में आयोजित हुई है, उसके निमित्त मैं आज दमोह आया हूँ। आप हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 साल कोरोना के कारण सारी जिंदगी दुनिया के साथ साथ हम सब की व्यस्त व्यस्त हुई है। बेस महासम्मेलन की इकाइयाँ बेस स्वभाव से परोपकारी होता है, समाज से भी होता है। अभी थोड़ी राहत मिली है और इस समय हमने हमारे कामों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें तहसील अध्यक्ष तक को बुलाया था। संगठन की जो अपेक्षा है कि कोरोना काल में भी हमारे क्या काम हुए कि नहीं हुए, क्या स्थिति है, उस पर हमने हर तहसील से बातचीत की है। आगे की संगठन को और विस्तार देने के लिए, मजबूत करने के लिए और आगे क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हर तहसील अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई। आप दमोह के चुनाव के प्रभारी रहे, उपचुनाव में विधानसभा के, क्या मानते 15 दिनों तक लगातार आप दमोह में भी रहे, हार के क्या कारण? कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और पार्टी ने उसका विश्लेषण करना शुरू किया है। कोई एक कारण मैं नहीं मानता हूँ, अनेक ऐसे कारण रहे हैं। लोगों तक हम अपनी बातों को ठीक ढंग से पहुँचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। साधारणतः प्रमुख रूप से कारण दिखाई देता है, संगठन की हमारी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव हो सकता है। इन सब पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई चुनाव होता है, चुनाव जीतें या हारें, हम उसकी विस्तृत समीक्षा करते हैं और जो कमियां रह गई हैं उसको स्वीकार करते हैं और उनको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। दमोह उपचुनाव को लेकर भी यही प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने जयंत मलैया जी और उनके पुत्र के ऊपर कार्रवाई की, क्या मानते हैं पार्टी ने सही किया? नहीं, पार्टी ने बाद में मलैया जी को तो कार्यकारिणी में शामिल भी किया है। प्रारंभिक कई बार रिपोर्ट्स जो होती है उसके आधार पर कार्यवाही होती है, सही स्थिति सामने आने पर उस पर सुधार भी होता है, जो किया गया। जयंत मलैया जी के पुत्र अभी भी निष्कासित हैं, उनके साथ 5 मंडल अध्यक्ष भी निष्कासित हैं। सभी प्रक्रियाएँ रहती हैं और प्रक्रियाओं का पालन पूरा करना पड़ता है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव कब तक होंगे, आप प्रदेश के प्रभारी भी हैं, क्या कुछ अभी स्ट्रेटजी है पूरी? नहीं, देखिए चूँकि मामला अब कोर्ट में चला गया, हम आप भी जानते हैं कि लगभग हम भी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार थी, सारी तैयारियां भी हो गई थी, कोरोना की लहर आ गई, वो प्रायोरिटी हो गई। उसके बाद एक याचिका लग गई है कोर्ट में आरक्षण को लेकर, आरक्षण की पद्धति को लेकर। उसका फैसला होने तक तो अब शासन के हाथ में, ना चुनाव आयोग के हाथ में, कुछ समय बताना कठिन हो गया।